दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सबकी फेवरेट एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के बारे में। मृणाल ठाकुर को आप जानते होंगे या आपने इन्हें किसी फिल्म या टीवी सीरियल में देखा होगा। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एक एक्ट्रेस है जिन्होंने सुपर 30 और बटला हो जैसे फिल्म में काम किया। तो इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं, आखिर इनका स्ट्रगल कैसा रहा और कैसी लाइफ स्टाइल को फॉलो करती हैं। क्या आपको पता है? नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको मृणाल ठाकुर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मृणाल का पूरा नाम मृणाल ठाकुर है और निक नेम गोली है। मृणाल का जन्म 1 अगस्त 1992 को धुले महाराष्ट्र में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 29 साल की है। मृणाल ने स्कूलिंग सेंट जेवियर्स हाई स्कूल श्रीरामपुर महाराष्ट्र से की, जिसके बाद मृणाल ने सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल जलगांव में एडमिशन लिया पढ़ाई करने के लिए। लेकिन मृणाल वसंत विहार हाई स्कूल मुंबई चली गई और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। मृणाल ने मास मीडिया में डिग्री हासिल की केसी कॉलेज से और दोस्तों मृणाल बीटेक डिग्री से भी ग्रेजुएट हैं। अब बात करते हैं मृणाल ठाकुर के करियर के बारे में। दोस्तों जब मृणाल कॉलेज में थी तब उसी दौरान मृणाल को अपने करियर का पहला लीड रोल मिला सीरियल मुझसे कुछ कहती ये खामोशियां में, जो स्टार प्लस पर 2012 से 2013 के बीच चला। और इसके बाद मृणाल सीरियल हर युग में आएगा एक अर्जुन के कुछ एपिसोड में दिखी और 2014 में इन्होंने सीरियल कुमकुम भाग्य में काम किया, जो कि इनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी था। और इसी साल मृणाल ने फिल्म डेब्यू किया मराठी फिल्म विट्टी डांडू से और साथ ही साथ एक और मराठी फिल्म करी जिसका नाम सूरज जिया है। दोस्तों मृणाल ने 2015 में एज अ कंटेस्टेंट नच बलिए 7 में पार्टिसिपेट भी लिया है, जिसके बाद 2017 में मृणाल दिखी सीरियल नादिन में और 2018 में इंडियन फिल्म लव सोनिया में काम किया और ये फिल्म काफी हिट रही, जिसके बाद 2019 में मृणाल ने ऋतिक रोशन के साथ फिल्म सुपर 30 और जॉन अब्राहम के साथ फिल्म बटला हाउस में काम किया और इन दोनों फिल्म की वजह से इनको काफी पहचान मिली। और 2020 में मृणाल नेटफ्लिक्स की फिल्म घोस्ट स्टोरीज में नजर आई, जिसके बाद 2021 में मृणाल ने फरहान अख्तर के साथ फिल्म तूफान में काम किया और साथ ही साथ 2021 में कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म धमाका में दिखी। दोस्तों अब 31 दिसंबर 2021 को मृणाल शाहिद कपूर के साथ फिल्म जर्सी में दिखने वाली है और इस फिल्म के अलावा इनकी और भी फिल्म आने वाली है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना मृणाल ठाकुर की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है। चलिए मिलवाते हैं आपको मृणाल ठाकुर की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है उदय सिंह बी ठाकुर और इनकी माँ का नाम है वंदना ठाकुर और इनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है लोचन ठाकुर और इनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम है मंदर ठाकुर। बात करें इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पे ऐसे कुछ रूमर है कि शरद चंद्रा त्रिपाठी जो कि एक राइटर है इनके बॉयफ्रेंड है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वहीं बात करें मृणाल ठाकुर के हाउस के बारे में तो दोस्तों मृणाल ठाकुर अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहती हैं, जैसे कि इन पिक्चरों में आप इनका घर देख सकते हैं। वहीं बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों मृणाल के पास टोयोटा फॉर्चूनर है जिसकी कीमत है लगभग 30 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास है होंडा एकॉर्ड जिसकी कीमत है 45 लाख रुपए। अब बात करते हैं मृणाल ठाकुर के इनकम के बारे में तो दोस्तों मृणाल ठाकुर एक फिल्म में काम करने के लिए 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करती है और इसके अलावा ये एक एपिसोड में काम करने के लिए 80,000 रुपए लेती हैं और ज्यादातर इनकी इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट से होती है और ये ब्रांड को इंडोर्स करके लाखों रुपए कमा लेती हैं। वहीं बात करें मृणाल ठाकुर के नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है लगभग 25 करोड़ रुपए। तो ये थी मृणाल ठाकुर की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये भी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।